नमस्कार दोस्तों, मुसाफिर की एक और नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आपने पास आज महिंद्रा फीरो ओरेगी एक ट्रक है। अगर इस गाड़ी की पेलोड कैपेसिटी बात करें, 7 टन की जो पेलोड कैपेसिटी के साथ अपनी गाड़ी आती है, इसमें अंदर आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं, 7 टन, 11 टन और उसके साथ में 14 और 17 टन जो पेलोड कैपेसिटी है उसके साथ में ये गाड़ी आती है। अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी फ्रंट प्रोफाइल है वो मिल जाती है और काफ़ी बड़ी इसकी विंडशील्ड है वो अपने मिल जाती है। अगर बात करें एड्रेस की तो केएस मोटर्स जयपुर इसका एड्रेस है और अगर आपको गाड़ी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। अब आते इसके वाइपर पे, तो कुछ इस तरीके से आपको नॉर्मल वाइपर मिल जाते हैं, उसी के साथ में आपको नोजल है वो भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। यहाँ पे आपके फ्यूरो 7 की बैजिंग मिल जाती है और अंदर की तरफ एयर इंटेक के लिए आपको 2 फिंच है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। महिंद्रा की बैजिंग, उसी साथ में महिंद्रा का लोगो वो मिल जाएगा और नीचे की तरफ आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ में जिसकी ग्रिल है वो मिल जाती है और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ हॉर्न वगैरह मिल जाएगा, टो हुक मिल जाएगा और यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ में इसका मजबूत बम्पर है वो मिलने वाला है। अब आते हैं इसके फॉग लैंप पे, कुछ इस तरीके से आपको हेलोजन के फॉग लैंप मिल जाते हैं और हेडलाइट आपको पूरी तरीके से हाई बीम और लो बीम दोनों रिफ्लेक्टर के साथ में और एक आपको इसके अंदर पार्किंग बल्ब विथ यहाँ पे आपको इंडिकेटर वो मिल जाता है। और साइड की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको इसका साइड डिजाइन मिल जाता है जो आपको एयर इंटेक और या एयर कटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा साइड डिजाइन है वो अपने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आपको इसका फ्रंट का लुक मिल जाता है। अब आते हैं गाड़ी के साइड में, जैसे गाड़ी के साइड में आएंगे आपको तो BS6 की बैजिंग मिल जाएगी फुट स्टेप और यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा इसका साइड व्यू मिरर है वो मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको लाइट मिल जाती है और काफ़ी बड़ा विंडशील्ड एरिया है वो अपने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। हैंडल की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको इसका हैंडल मिल जाता है और यहाँ पे आपको चाबी लगाने के लिए स्पेस मिल जाएगा, इंडिकेटर आपको वहाँ पे साइड में मिल जाएगा। अगर बात करें केबिन की तो केबिन पूरी तरीके से ऊपर की तरफ हो जाता है जिसकी वजह से इंजन वगैरह का काम है वो आपको इस गाड़ी में आराम से कर सकते हैं और उसी के साथ में गाड़ी के अगर इंजन की बात करें तो 2500 सीसी का इसके अंदर आपको इंजन मिल जाता है जो अपने को 81 BHP की पावर देगा और उसी के साथ में 220 Nm का टोर्क वो अपने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। बैटरी अपने को यहाँ पे प्लेस है वो मिल जाती है और उसी के साथ में आपको गेयरबॉक्स है वो 5 स्पीड का जो गेयरबॉक्स वो अपने को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको एयर फिल्टर मिलता है, उसी के साथ में 13 लीटर का आपको एड ब्लू टैंक है वो मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक है, डीजल टैंक है वो अपने को इसके अंदर मिल जाता है। BS6 नॉर्म्स के साथ में ये गाड़ी अवेलेबल है। उसी के साथ में अगर गाड़ी की लोड बॉडी की बात करें तो 14 फिट के साथ में ये गाड़ी की लोड बॉडी है वो अपने को यहाँ पे मिल जाती है। अब चलते हैं इसके फ्रंट व्हील पे, तो कुछ इस तरीके से आपको अपोलो के इसके अंदर फ्रंट व्हील मिल जाता है और टायर साइज की बात करें तो 8.25 x 16 के आपको इसके अंदर टायर मिल जाते हैं। टायर के साथ में वहीं आपको ब्रेकिंग है वो आपको इसका गाड़ी के अंदर मिल जाती है और वहीं आपको ABS के साथ में ये गाड़ी अवेलेबल होती है जिसके कारण इसकी जो ब्रेकिंग वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। पीछे की तरफ आते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको कमानी पट्टे मिल जाते हैं और टायर भी आपको हैवी लोड के हिसाब से आपको ये गाड़ी का टायर है वो इसके अंदर दिया गया है। अब आते हैं वो गाड़ी के पीछे, उससे पहले आपको दिखा दूँ कुछ इस तरीके से आपको इसका जैक मिल जाता है जो आपको जरूरत पड़ने पर 4 बोल्ट खोल के आप उसको नीचे की तरफ निकाल सकते हैं और आपको यहाँ पर भी अपोलो का टायर वो स्टेपनी के तौर पर मिलता है। पीछे की तरफ आप टेल लाइट की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको टेल लाइट मिल जाती है, हेलोजन बेस्ड टेल लाइट मिल जाती है और यहाँ पर आपको पीछे से सेफ्टी के लिए एक इस तरीके से आपको एक बार है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है। और कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का जो साइड का डिज़ाइन है वो अपने को देखने मिल जाता है और यहाँ पे आपको इसका गाड़ी का साइलेंसर है वो मिल जाएगा। अब चलते हैं पर गाड़ी के अंदर, क्योंकि जो कुछ है वो इस गाड़ी के अंदर है, इंटीरियर वगैरह वो कैसा क्या अपने को देखने के लिए मिलता है वो एक बार जरूर चलते हैं। तो जैसे अपन डोर खोलते हैं कुछ इस तरीके से आपका जो साइड का पैनल है डोर का वो अपने को यहाँ पे देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक पॉकेट मिल जाती है, इसमें आप सामान रख सकते हैं, यहाँ पे स्पीकर वगैरह के लिए प्लेसमेंट मिल जाती है और यहाँ पे अंदर से खोलने के लिए लीवर, ग्लास को अप डाउन करने के लिए एक ही आपको हैंडल है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर आपको हैंड रेस्ट है वो आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। ऊपर की तरफ आने के लिए आपको ये हैंडल है वो पकड़ना होगा और आप आराम से इसके अंदर जा सकते हैं। उससे पहले आपको सीटें की बात बता दें, कुछ इस तरीके से आपको फैब्रिक सीटें मिल जाती है जो आपको गर्मी वगैरह में आपको दिक्कत नहीं होती, पसीना वगैरह इन सीटों में नहीं आता। और कुछ इस तरीके से आपको हेडरेस्ट मिल जाता है, गाड़ी में टोटल 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं और 3 लोगों को बैठने की कैपेसिटी है वो अपने को गाड़ी के अंदर है। सीट की बात करें तो सीटें आपको बैक सपोर्ट वो एडजस्ट हो जाता है, उसी के साथ में सीटें आगे पीछे करने का ऑप्शन है वो भी अपने को इस गाड़ी के अंदर मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, जैसे गाड़ी के अंदर आएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको स्टीयरिंग व्हील है वो मिल जाएगा और स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एंड टेलीस्कोपी है या नहीं है वो अपन इसमें जरूर एक बार चेक कर लेते हैं। तो स्टीयरिंग वगैरह है उसमें आपको टिल्ट और टिल्ट का ऑप्शन है वो अपने को इसके अंदर मिल जाएगा और उसी के साथ में टेलीस्कोपिक है, उन दोनों का ऑप्शन अपने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। एक बार इसकी चाबी ऑन करके देखते हैं, लेकिन बैटरी वगैरह वो डिस है तो चाबी वगैरह तो ऑन नहीं हो पा रही, पर यहाँ पे आपको RPM मिल जाएगा, फ्यूल गेज का ऑप्शन है वो भी अपने को यहाँ पे मिल जाता है और राइट में आपको स्पीडोमीटर और टेम्परेचर मीटर ना वो अपने को इसके अंदर मिलने वाला है।
सेंटर में आते हैं छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है जिसमें आपको ट्रिप मीटर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है टोटल इन्फॉर्मेशन वो अपने मिल जाएगा। फोर स्पोक का जो स्टेयरिंग है वो आपको मिल जाएगा। राइट में आपको हेडलाइट के बटन मिल जाएंगे और लेफ्ट में आपको वाइपर के बटन से वो मिल जाते हैं। एयरवेंट की बात करें तो एक एयरवेंट अपने को यहाँ मिल जाता है, दो यहाँ मिलेंगे सेंटर में, दो आपको लेफ्ट साइड में और एक इस कॉर्नर में, टोटल सिक्स एयरवेंट है वो मिल जाएंगे। तो आपको तो आपको गर्मी वगैरह का तो एहसास इस गाड़ी में नहीं होगा। और वैसे भी कंपनी का कहना है कि और गाड़ियों से इस गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री कम हो रहा है, मतलब उनके मुकाबले 5 डिग्री कम इसमें टेम्परेचर आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। म्यूजिक की बात करें तो आपको सिंगल डन या डबल डन का आप इसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह है वो आप इस गाड़ी के अंदर लगवा सकते हैं। और नीचे की तरफ आपको ये आपको ब्लोवर का बटन है वो मिल जाएगा, वो अपने हिसाब से आप जो इसका स्पीड है वो आप फिक्स करते हैं। हैंड ब्रेक की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको इसका हैंड ब्रेक मिल जाएगा, 5 स्पीड + 1 रिवर्स का गियर बॉक्स मिल जाता है और कुछ इस तरीके से आपको दो लोगों के बैठने के लिए सीट मिल जाएगी और यहाँ पे आपको एक सीट बेल्ट है वो आपको मिल जाता है। हैंडल आपको कुछ इस तरीके से डिजाइन है वो आपको हैंडल की मिल जाती है और आपको ग्लास अप डाउन करने के लिए लीवर और सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाता है और नीचे की तरफ भी आपको एक ग्लो बॉक्स है वो अपने को इसके अंदर मिल जाता है। स्पीकर वहां मिल जाएगा, स्पीकर आप लगा सकते हैं, कंपनी है वो आपको स्पीकर वगैरह नहीं देखती। और वॉक थ्रू कैबिन है वो अपने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, तो आप आराम से आपको दूसरी तरफ जाना तो आपको नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। और उसी के साथ में ऊपर की तरफ आते हैं तो रूफ लाइट वो आपको एलईडी के साथ मिल जाती है और कुछ इस तरीके से आपको दो सनवाइजर मिल जाएंगे। और छत है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाली है, मतलब इसमें ऑटोमेटिक जो हीट वगैरह है वो आपको इस गाड़ी के अंदर और गाड़ियों के मुकाबले जो हीट है वो आपको कम मिल जाएगी। उसी के साथ में एक हैंडल आपको वहां मिल जाता है और एक हैंडल यहाँ और एक है, टोटल 3 हैंडल है वो अपने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट है वो आप यहाँ मिलने वाला है और यहाँ पे आप फोन वगैरह या सामान वगैरह उस गाड़ी के अंदर रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको बोतल होल्डर भी एक यहाँ पे मिल जाता है जिसमें आप आराम से एक अपने 1 से 1.5 लीटर की बोतल है वो आप यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। और एक हेडरेस्ट यहाँ पे, टोटल गाड़ी के अंदर 3 हेडरेस्ट है, पहले मैंने सोचा 2 है पर इस गाड़ी में अंदर आपको 3 हेडरेस्ट है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको पीछे का हेडरेस्ट मिल जाता है और पीछे देखने के लिए आपको कुछ इस तरीके से आपको विंडो मिलती है, विंडो आपको स्लाइडिंग नहीं मिलती, एक फिक्स विंडो मिलती है जिसमें आप पीछे की तरफ भी नजर रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का जो ओवरऑल अंदर का डिजाइन है वो अपने को इस गाड़ी अंदर मिल जाता है। गाड़ी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप केएस मोटर्स महिंद्रा जयपुर में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और यहाँ के जो नंबर है वो स्क्रीन पे शो कर रहे होंगे और जो हमारे डिस्क्रिप्शन है वहां पे भी यहाँ के नंबर है वो आपको मैं इस गाड़ी के अंदर डाल दूंगा। तो अगर गाड़ी के बारे में कोई तो आप कॉल कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।